गुड मॉर्निंग साथियों, बात करते हैं आज हम टेनिसन की बड़ी मशहूर रचना जो वर्क है मॉड की। तो मॉड जो है 1895 वो 55 में, तो मॉड इज ए टेनिसन पोएम इन थ्री पार्ट्स। मॉड जो है वो तीन पार्ट में है। इट इज इंस्पायर्ड बाई चार्लोट रोजा बैरिंग। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि ये मॉड जो है 1855 में आई और ये चार्लोट रोजा बैरिंग से इंस्पायर है, प्रेरित है। द नैरेटर इज एंटागोनिस्टिक टुवार्ड मॉड। तो जो नैरेटर है वो मॉड के प्रति एंटागोनिस्टिक है। ही फील्स दैट मॉड इज नॉट फॉर हिम फिट फॉर हिम टू बी ए वाइफ। तो नैरेटर ये सोचता है कि मॉड जो है उसकी पत्नी बनने के लिए उसके लिए उपयुक्त नहीं है। बट लेटर लेकिन बाद में ही फॉल्स इन लव विद मॉड। लेकिन बाद में उसको क्या है, मॉड से प्यार हो जाता है। नाउ मॉड्स ब्रदर क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। अब वो जो मॉड का भाई है वो लफड़ा उत्पन्न करता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करता है। ही आस्क मॉड नॉट टू बी इन टच विद द नरेटर। वो चाहता है, मानी मॉड का भाई ये नहीं चाहता है कि मॉड जो है उसके संपर्क में रहे। ही अरेंज ए बॉल, वो एक नृत्य का आयोजन करता है। बॉल मीन्स नृत्य होता है। ही इन्वाइट्स द कोलियर बट लीव्स नैरेटर आउट। वो कोलियर को बुलाता है लेकिन क्या है, नैरेटर को छोड़ देता है। द नैरेटर वेट फॉर द मॉड इन द गार्डन। गार्डनर नैरेटर जो होता है वो मॉड का बगीचे में इंतजार करता है और वो कहता है कम इन टू द गार्डन। मॉड गाता है कि मॉड बगीचे में आओ। मॉड कम्स टू मीट हिम। मॉड उससे मिलने के लिए आती है। हर ब्रदर आल्सो कम्स एंड स्ट्राइक द नैरेटर हु किल्स हिम इन ए ड्यूअल। तो उसका भाई भी आता है और जो लवर कह सकते हैं, नैरेटर या लवर है, उस पे हमला कर देता है। और दोनों में क्या होता है कि द्वंद्व युद्ध होता है, ड्यूअल होता है। इसमें जो नैरेटर है वो मॉड के भाई की हत्या कर देता है। आगे देखें, द नरेटर फ्लीज टू फ्रांस। ये ध्यान रखेंगे नरेटर कहाँ भाग जाता है, फ्रांस भाग जाता है। ही कम्स टू नो अबाउट द डेथ ऑफ मॉड। उसको मॉड की मौत की खबर मिलती है। द नरेटर माने पोएट। नरेटर का तात्पर्य यहाँ पे पोएट से, तो एक नरेटिंग पोएम है। लूजेस सैनिटी एंड इमेजिन्स हिमसेल्फ एज डेड। तो उसकी मौत पे कवि इतना दुखी होता है कि वो खुद को मृत महसूस करता है। एट लास्ट ही कम्स सो सैनिटी एंड लीव्स टू फाइट इन द क्रीमियन वॉर। इतना वो सैनिटी फील करता है और वो क्रीमियन वॉर में चला जाता है। द पोएम प्रेजेंट्स ए डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ सिंगल रियलिटी। ये जो कविता है डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ सिंगल रियलिटी को व्यक्त करती है। तो साथियों इतना ध्यान रखेंगे कि ये पोएम है 1855 में टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। इंस्पायर्ड किससे है, ये चार्लोट या शार्लोट रोजा ब्रिंग कह सकते हैं। चार्लोट या चार्लोट CHARLOTT रोजा बायरिंग से ली गई है। ठीक है, अब उसके बाद में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे इन मेमोरियम की। तो इन मेमोरियम क्या है, इन मेमोरियम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और आथर हेनरी हॉलम इन मेमोरियम AHH आथर हेनरी हॉलम इज टेनिसन्स पोएम। तो इन मेमोरियम में लेखक ने आथर हेनरी हॉलम के बारे में वर्णन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता दूं, इस पोएम को कंप्लीट होने में 17 वर्ष लगे। इट इज कंप्लीटेड इन 1849, कहीं यहाँ कहीं पे 49 में, ये 1849 में पूरी हुई। इट इज अबाउट आथर हेनरी हॉलम हु डाइड सडनली ऑफ ए सेलिब्रेटेड हेमरेज इन वियना। तो आर्थर हेनरी हॉलम के बारे में जो है, सेलिब्रेट हॉल में 1833 में जिनकी मौत हो गई थी हेमरेज से। आगे देखिए, द वे ऑफ सोल इज द ओरिजिनल टाइटल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, द वे ऑफ द सोल। तो इन मेमोरियम का ओरिजिनल टाइटल क्या है, रियल टाइटल क्या था पहले, वो था द वे ऑफ द सोल, द ओरिजिनल टाइटल है। द पोएम इज रिटन ऑफ 4 लाइन्स एंड विद द राइमिंग स्कीम ऑफ ABBA। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि पोएम जो है 4 लाइन के स्टेंजाज में लिखी गई है और उसकी राइमिंग स्कीम ABBA है।
द मीटर इज आयम्बिक टेट्रामीटर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे किस मीटर में लिखी गई, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई। इट हैज 133 कैंटोज इंक्लूडिंग द प्रोलॉग एंड इपीलॉग, इपीलॉग और प्रोलॉग को मिला करके इसमें 133 कैंटोज है। तो साथियों ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर की, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो।